बहुत बड़ी है। राजगढ़ जिले के भोजपुर थाने में पुलिस रात को गश्त कर रही थी, तभी अचानक रात को पुलिस ने पैदल चल रहे एक आदमी को पकड़ा। जब उससे पूछताछ की गई तो वह बताने में असमर्थ रहा। जब उसको पुलिस थाना लाया गया, यहाँ पर उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से आधार कार्ड और फोन नंबर की पर्ची मिली, जिसके आधार पर फोन नंबर डायल किया गया, जो गुजरात में रहने वाले उनके दामाद अरुण ठाकुर से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि वह मेरे ससुर है, उनका नाम सुखदेव ठाकुर है, उनकी उम्र 60 साल के दरमियान है। वह अपने घर से अकेले निरखपुर से गुजरात जाने के लिए घर से निकले थे। पढ़े लिखे नहीं होने से वह दूसरी ट्रेन में बैठ गए और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भोजपुर थाने की सीमा पर पहुंच गए। भोजपुर पुलिस ने सुखदेव के दामाद अरुण ठाकुर को गुजरात से बुलाकर भटके हुए व्यक्ति को उनके परिजन से मिलवाकर सौंप दिया। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सर, इनके बारे में क्या जानकारी मिली आपको? ये भोजपुर पुलिस में परसों 17 तारीख को एक भटके हुए व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आ गए थे, सुखदेव जी। सुखदेव पिता चमन लाल ठाकुर जी बिहार पटना के रहने वाले हैं जी। पूर्व में अपने दामाद के साथ रहते थे गुजरात में जी। तो बिहार पटना से गुजरात जाने के लिए निकले थे जी। भटक गए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 60 साल इनकी उम्र है। कोटा में उतर गए थे किसी ट्रेन से, वहाँ से भटकते हुए ये राजगढ़ तरफ आ गए जी। राजगढ़ से ये भोजपुर आ गए, परसों पुलिस को मिले थे। पुलिस ने इनको अपने पास रखा जी, व्यवस्थित खाना ना खिलाया, और इनके पास एक वोटर आईडी मिला था, कुछ टेलीफोन नंबर्स की सूची मिली थी जी। उस सूची के आधार पर भोजपुर पुलिस ने इनको, इनके दामाद को फोन करके गुजरात से बुलवाया जी। बुलवा करके आज इनको भटके हुए व्यक्ति को इनके दामाद के सुपुर्द कर रहे हैं, और ये आज अपने साथ लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से भटके हुए व्यक्ति को उसके परिवार से पुलिस वालों ने मिला दिया है। इस बात के लिए ये भी, इनके दामाद आ गए थाने में? हाँ, इनके दामाद थाने में आ गए हैं, इनसे पूछताछ कर ली, तस्दीक कर ली है जी। और इनके वोटर आईडी और